वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स। सो इन आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स आई होप आपने देखा होगा और आपने काफ़ी कुछ उसके बारे में सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यू कैन विजिट माई वेबसाइट drjhatka.com। सो उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल सकती हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। सो नाउ अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एनालिटिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे को कितना समझ आया, फॉर्मूला की कितनी उसको समझ आ चुकी है और वो किस किस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में अपने डेली लाइफ में या डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में वो देख रहा है, जहाँ भी वो कहीं भी बुक खोल रहा है, तो क्या वो उनको सॉल्व कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ कि जब भी आपने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी डिपेंड करती है, तो सिंपल एकदम से फोकस कीजिए उसके फॉर्मूला के ऊपर। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? ई के और के ई, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं यही वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। सो नाउ हियर फिजिकल क्वांटिटीज आर मास एंड वेलोसिटीज। सो मास एंड वेलोसिटी आर दोज फैक्टर ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। सो नाउ हाउ और किस तरह से डिपेंड कर रही है? नाउ यू कैन सी हियर ऑन द राइट हैंड साइड, मास इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद दिस हाफ एंड वी ऑल्सो इज इन मल्टीप्लाई। सो एनी टर्म फिजिकल क्वांटिटी अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डायरेक्टली डिपेंड करती है लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज के ऊपर, या लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। सो नाउ वी कैन सी हियर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, इट ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टली डिपेंड? सो डायरेक्टली डिपेंड का मतलब हुआ, यू कैन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल्सो, डायरेक्टली डिपेंड का मतलब हुआ कि अगर मास बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर मास कम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर वेलोसिटी में इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी में डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीज आएगा। सो नाउ यहाँ पे थोड़ा सा और भी देखने वाली बात है। सो फर्स्ट केस इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यू कैन सी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास। दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन मास काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड विद द डिक्रीज इन मास काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। बट इन सेकेंड वन केस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट इट इज स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी। यस इट इज राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट हियर इन दिस केस वेलोसिटी का स्क्वेयर है, सो हमें उसको भी काउंट करना होगा, बिकॉज इसको अगर इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी हियर। सो दैट मीन्स अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीज होगा। बट ड्यू टू स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मास, बिकॉज मास जो है सिंगल टर्म है यहाँ पर, जबकि वेलोसिटी में स्क्वेयर है। सो अब यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा जब मास डबल हो, दिस इज केस वन, कि जब मास जो है डबल हो गया, यानी कि m इज इक्वल टू 2m, अपने आप का डबल हो गया। सो नाउ पुट इन दिस फॉर्मूला एंड विल फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ, m की जगह हम भरेंगे अब 2m और v स्क्वायर, क्लियर? सो दिस विल बिकम हियर
वैसे तो आप हाफ से हाफ काट सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करना चाहूँगा। मैं इस टू को बाहर निकाल देता हूँ, दिस वन को, एंड अंदर रख लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज टू। नाउ हियर ध्यान से देखिए, मैंने टू को बाहर निकाल दिया है तो हाफ एम वी स्क्वेयर किसके बराबर है? ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो यानी कि दिस इज के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपने आप की डबल हो गई। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। नाउ सम टाइम आ जाता है कि व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास बिकम हाफ, मतलब जितनी अपना एक्चुअल था पहले उससे हाफ हो जाता है। केस टू, एम इज इक्वल टू एम बाय टू। आई रिमेंबर दिस वन थिंग, आई एम राइटिंग ए स्मॉल एम, ओके। सो माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट टू गुड, बट ओके, आई थिंक आपको क्लियरली पढ़ने में आ रहा होगा। सो दिस इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम मास की जगह भरेंगे एम बाय टू। सो हाफ एम, अब हम एम की जगह भरेंगे एम बाय टू वी स्क्वेयर। अगेन मैं फिर से स्मार्ट वर्क करना चाहूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। सो उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं इस हाफ को बाहर निकाल देता हूँ वन बाय टू, और एक हाफ हमारा अंदर ही है ऑलरेडी, हाफ एम वी स्क्वेयर। एंड यू नो व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वेयर? इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। सो इट विल बिकम हाफ, और ये पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी है। सो यानी कि अगर मास हाफ हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आपकी आधी हो जाती है। सो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ फॉर डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास। हमने पहले भी कहा था ऊपर, यू कैन सी हियर, अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखो यहाँ मास बढ़ गया 2m हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। अब यहाँ मास हाफ हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गई। अब हम यही डिपेंडेंस देखेंगे वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे स्क्वेयर है तो थोड़ी सी डिपेंडेंस में चेंज आ जाता है। और बच्चों को यही कन्फ्यूजन हो जाता है, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं कि अगर मास 2m हो गया तो वेलोसिटी के केस में भी डबल हो जाएगी, क्योंकि 2m के केस में काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, हाफ के केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ होती है। लेकिन ड्यू टू दिस स्क्वेयर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। सो चलो देखते हैं कि वो क्या वेरिएशन आता है। सो नाउ वेलोसिटी के केस में मैं केस थर्ड ले रहा हूँ इसको, केस थर्ड। सो केस थर्ड में व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम डबल। चलो वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, जो वी है अब वो बन गया हमारा 2v। सो नाउ हम फॉर्मूला में, वी नो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। सो इसमें हम भरेंगे अब v की जगह भरेंगे 2v। सो हाफ एम v की जगह आ गया 2v और होल स्क्वेयर। रिमेंबर दिस, दिस इज द मेन पॉइंट हियर कि आप 2v को ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वेयर लिखें, क्योंकि v का पूरा पूरा स्क्वेयर है तो v की वैल्यू इस वक्त 2v है, तो पूरा पूरा 2v का होल स्क्वेयर आएगा। सो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगेन स्मार्ट वर्क, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, और उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ 4 हाफ एम वी स्क्वेयर। सो फ्रॉम हियर दिस इज अगेन काइनेटिक एनर्जी 4, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। सो नाउ यू कैन सी हियर काइनेटिक एनर्जी अपने आप की 4 टाइम हो गई। देखो मास के केस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही थी, लेकिन इसके केस में 4 टाइम। क्यों? क्योंकि स्क्वेयर है।